तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। हाय, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब डाउन बिलो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे कपड़े हमारी पहचान होते हैं, तो येस, क्लोदिंग से आपके कम्प्लीट अपीयरेंस यानी लुक को चेंज किया जा सकता है। तो अगर आप शॉर्ट हाइट के हैं तो आज मैं आपको ऐसी 10 टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपकी हाइट थोड़ी लंबी लगेगी। अगर इन सारी टिप्स को आप ध्यान में रखते हुए कोई भी सूट बनवाते हैं या मार्केट से लेते हैं तो आपकी हाइट डेफिनेटली उसमें थोड़ी ज़्यादा लगेगी और आप उसमें बहुत ज़्यादा गॉर्जियस और स्टाइलिश लगेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा टिप नंबर 10 है कि आप जब भी अनारकली सूट घर पर बनवाएं या बुटीक में बनवाएं या फिर आप मार्केट से रेडीमेड लेती हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी उसमें बहुत ब्रॉड बॉर्डर नहीं बनवाना है। या फिर आप मार्केट से भी ले रही हैं तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपका बहुत जो भी आप अनारकली ले रही हैं उसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो, शॉर्ट बॉर्डर हो, यानी पतला बॉर्डर हो, तो उससे आपकी हाइट बहुत ज़्यादा। तो टिप नंबर 9 है कि आपको बनवाना है वी नेक का अनारकली या फिर कोई कुर्ती। जब भी आप कुर्ती बुटीक से बनवाएं या फिर मार्केट से लें और अनारकली भी, तो आप हमेशा ध्यान दें कि आपका वी नेक होना चाहिए। यस, वी नेक में क्या होता है, आपका गला जो है थोड़ा पतला लगता है और लंबा लगता है, और आपकी आस्तीन हो चूड़ीदार या फिर फुल स्लीव्स। तो फुल स्लीव्स और चूड़ीदार में क्या होता है, आपके हाथ काफ़ी पतले लगते हैं और शार्प लुक भी आता है। तो टिप नंबर 8 है कि आप कोई भी कुर्ती या फ्रॉक सूट बनवाएं या फिर सूट बनवाएं तो आप हमेशा ध्यान दें कि वो फिटिंग का हो। ढीला सूट बिल्कुल भी ना बनवाएं, कुर्ती भी ढीली ना बनवाएं, क्योंकि ज़्यादा लूज़ फिटिंग होने से आप थोड़ा मोटे लगते हैं और आपकी हाइट भी थोड़ी दबी दबी सी लगती है, डल सी लगती है, और आप ज़्यादा लंबी नहीं लगते हैं। तो मेरा टिप नंबर 7 है कि आप कोई भी जब कुर्ती लें या फिर कुर्ती आप बुटीक से बनवाती हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी कुर्ती लाइनिंग वाली है तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो है लाइन हो वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ना हो। यस, हॉरिजॉन्टल लाइन से आप थोड़ा सा हैवी लगते हैं, उससे आपकी हाइट भी थोड़ी दब जाती है, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी हाइट आपकी कम लगती है उससे बहुत ज़्यादा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप बिल्कुल वर्टिकल लाइन में कोई भी कुर्ती बनवाएं, तो उससे क्या होता है आपकी हाइट का ऐसा देखने में लगता है कि आपकी हाइट बिल्कुल भी छोटी नहीं है, आप लंबे लगते हैं उससे, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो वर्टिकल लाइंस जो भी छोटे हैं, जो भी थोड़े शॉर्ट हाइट के हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी लाइनिंग वाली कुर्ती लें तो आपको हमेशा वर्टिकल लाइंस में लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में नहीं। तो टिप नंबर 7 है कि आपको लेनी है स्लिट कुर्ती। यस, अगर आपकी हाइट छोटी है, आप शॉर्ट हाइट के हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। ये मे बी देखिए, छोटी और बड़ी हाइट ये तो गॉड गिफ्ट होता है, बट अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको कुर्तियाँ ऐसी लेनी चाहिए लाइक स्लिट कुर्ती। यस, स्लिट कुर्ती आपकी बीच में स्लिट हो या फिर साइड स्लिट हो, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, और आपकी हाइट उससे थोड़ी लंबी भी लगती है। उन शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए, ऑल माई शॉर्ट ब्यूटीज़, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी कुर्ती लें, आप कहीं भी जाएं, पार्टीज़ में भी जाएं। इनफैक्ट ये इंडो वेस्टर्न में आता है तो आप इसे थोड़ी पार्टीज़ में भी पहन सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है और बहुत डिसेंट भी लगता है, और इससे आपकी हाइट भी लंबी लगती है। तो मेरी टिप नंबर 5 है कि आपको पहनना है कुर्ती या फिर फ्रॉक्स के साथ एक लॉन्ग श्रग। यस, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और बहुत ज़्यादा फैशनेबल भी लगता है, आपको एक बहुत ज़्यादा डिसेंट और स्लिम लुक देता है। श्रग पहनने से आप थोड़ा स्लिम भी लगते हैं और आपको ये पतला दिखाता है और आपकी हाइट भी थोड़ा लंबी लगने लगती है। यस, तो ऑल माई शॉर्ट ब्यूटीज, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप एक कुर्ती के साथ या फिर किसी फ्रॉक्स के साथ आप पहन सकती हैं लॉन्ग श्रग। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा, अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप हमेशा सिंथेटिक फैब्रिक का ही श्रग पहने, वो ज़्यादा स्टाइलिश लगता है और आपको थोड़ा और लंबा दिखता है। तो मेरा टिप नंबर 4 है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अनारकली सूट्स बुटीक में बनवाती हैं या फिर आप मार्केट से लेती हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी आपको बॉटम और अपर सेम नहीं होना चाहिए। आपके अनारकली का वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपका बॉर्डर और आपका अपर पार्ट सेम है तो उससे भी आपकी हाइट डल लगती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। जिस लड़की ने बॉटम और अपर सेम पहना है उसकी हाइट थोड़ी दबी दबी सी लग रही है, उसकी हाइट थोड़ा कम लग रही है, और जिस लड़की ने एक ही शेड का पहना है फ्रॉक सूट, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और बहुत ज़्यादा लंबी भी लग रही है।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपका अपर और बॉटम सेम नहीं होना चाहिए। तो मेरा टिप नंबर थर्ड है कि आपको क्रिएट करना है एक मोनोक्रोमैटिक लुक। यस, ये क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो जब भी आप सूट पहनती हैं या फिर कुर्ती पहनती हैं या फिर आप अनारकली पहनती हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपका अपर और बॉटम सेम है तो आपका दुपट्टा हमेशा कंट्रास्ट में होना चाहिए, आपका दुपट्टा सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसकी वजह से भी आपकी हाइट बहुत डल लगने लगती है, आप बहुत थोड़ा छोटे लगने लगते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जिस लड़की ने कंट्रास्ट दुपट्टा लिया है उसकी हाइट लंबी लग रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आपका अपर और बॉटम सेम हो तो आपका दुपट्टा कंट्रास्ट में होना चाहिए, यानी आपके अपर और बॉटम से डिफरेंट, जिसकी वजह से आपकी हाइट थोड़ा लंबी लगती है। तो मेरा टिप नंबर सेकंड है कि आपको बचना है हैवी ड्रेसेस से। यस, आप अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको कभी भी हैवी ड्रेसेस नहीं पहननी है, आपको हमेशा छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी के सूट्स लेने हैं, अनारकली लेना है, जिसकी वजह से आपकी हाइट थोड़ा लंबी लगती है। आप बहुत ज़्यादा हैवी सूट पहन लेते हैं उसकी वजह से आपकी हाइट बहुत डल लगने लगती है, आपकी हाइट थोड़ा छोटी लगने लगती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको हैवी ड्रेसेस नहीं पहनना है। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, जिस लड़की ने आप हैवी ड्रेस पहनी है उसकी हाइट थोड़ी छोटी लग रही है, और जिसने स्मॉल एम्ब्रॉयडरी की पहनी है उसकी हाइट थोड़ा लंबी लग रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, तो इसको आप ध्यान में रखें, हमेशा सूट लें। सो माई टिप नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसकी वजह से मैंने सोचा कि ये टिप आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कभी भी, अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो आपको शॉर्ट पैंट्स नहीं सिलवानी है सूट या कुर्ती इसके ऊपर, या फिर आप अगर मार्केट से भी ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको कभी भी शॉर्ट पैंट्स नहीं बनवानी है, उसकी वजह से आपकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी लगने लगती है। अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो आपको हमेशा एंकल लेंथ की पैंट बनवानी है, उसकी वजह से आपकी हाइट लंबी लगती है, आपका लुक बहुत ज़्यादा डिसेंट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी शॉर्ट हाइट की गर्ल्स हैं उनको कभी भी शॉर्ट पैंट्स नहीं बनवानी है, हमेशा लॉन्ग पैंट बनवानी है। तो ये थे मेरे आज के इंपॉर्टेंट टिप्स। And thank you so much for watching this video. If you like this video, please share with your family and friends. And आगे भी अच्छी अच्छी videos देखने के लिए मेरे channel Tips and Tricks पे बने रहिए। Thank you so much. Bye bye.